हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन का लेक्चर 4, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक का लेक्चर 4। और एक्चुअली आज डायमेंशन आपका स्टार्ट ही होगा, और ये समझिए कि डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले जो हमने बात की वह यूनिट पर बात करी थी, ठीक है। इसके पहले मैंने यूनिट पर बात की थी, यूनिट को देखा था, ठीक है। और आज से डायमेंशन बेसिकली शुरू हो रहा है, और आपको जो पढ़ना है वो तो डायमेंशन ही पढ़ना है, इसलिए तो इसका हमने नाम ही दिया है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट के बारे में जानकारी आप लोगों को तो पहले से भी है। हम लोग को जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डायमेंशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डायमेंशन पढ़ना है। और डायमेंशन में जो आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी, मात्र 3 की अभी ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे आपको पता है कि फंडामेंटल यूनिट कितना होता है, 7 + 2 = 9, ठीक बात है। लेकिन आपको जो अभी काम पड़ेगा, मात्र 3 का काम पड़ेगा। क्या काम पड़ेगा? 3 का। किसका किसका काम पड़ेगा? एक तो आपको मास का काम पड़ेगा, तो मास का जो डायमेंशन होता है कैपिटल M होता है। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, है ना। मास का कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L, और टाइम का T। तो तीनों का पहला लेटर इसमें तो याद रखने की क्या बात है, तीनों का पहला लेटर है, ठीक है। दूसरी बात देखो, मास में और टाइम में तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कभी कभी लेंथ में हो सकती है। तो जो भी चीज़ लगे कि उसको हम लोग मीटर, जिसका जिसका यूनिट मीटर होता है, मीटर स्क्वायर नहीं, ये हम कहना चाह रहे हैं, मीटर क्यूब नहीं, क्या होता है, मीटर होता है, जिसका जिसका यूनिट मीटर होता है, मतलब जो जो चीज़ लेंथ है, मीटर या सेंटीमीटर भी ऐसा नहीं है, लेंथ का यूनिट कहने का मेरा मतलब है, लेंथ का यूनिट जिसका जिसका होता है ना। जैसे मान लो रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, कॉर्ड, सरकमफेरेंस, सही बात है, हाइट, डेप्थ, ये सभी आपका लेंथ होगा, ठीक है, समझ गए। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, हाइट क्या है, लेंथ है, डेप्थ क्या है, लेंथ है, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक बात है। तो अब यहाँ पर देखिए, मास, लेंथ, टाइम, इसी की ज़रूरत पड़ेगी। और डायमेंशन अब होता क्या है, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वह ये रिप्रेजेंट करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है ये रिप्रेजेंट करता है कि उसमें जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट मतलब बेस यूनिट, बात एक ही है, जो फंडामेंटल यूनिट है मतलब यही मास, लेंथ, टाइम, कितने पावर के साथ जुड़ा हुआ है, कितने पावर के साथ अटैच्ड है, आई बात समझ में, कितने पावर के साथ अटैच्ड है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इंडिकेट करता है डायमेंशन, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो बेस क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो कितने पावर के साथ जुड़ा हुआ है, कितने पावर के साथ इन्वॉल्व्ड है, आई बात समझ में। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट दैट थ्रू विच पावर फंडामेंटल क्वांटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, आई बात समझ में। ये डायमेंशन का मतलब होता है, फिर से सुनिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ये इंडिकेट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी एक ही बात है, कितने पावर के साथ उसमें जुड़ा हुआ है, कितने पावर के साथ इन्वॉल्व्ड है, आई बात समझ में, कितने पावर के साथ
इन्वॉल्व्ड है। बात क्लियर? ठीक है, तो आइए डायमेंशन को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट दैट थ्रू विच पावर फंडामेंटल या बेस, बात एक ही है, बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी आर इन्वॉल्व्ड इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने पावर से जो फंडामेंटल क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है, चाहे एक हो या दो हो तीन हो, मतलब कितने पावर के साथ इन्वॉल्व्ड है। आई बात समझ में? कितने पावर के साथ इन्वॉल्व्ड है। अब देखो, जैसे एक सिंपल क्वांटिटी लेते हैं सबसे पहले, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है साहब, बताओ तो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यही ना? बिल्कुल सही बात। अब ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन जो लिखेंगे, पावर को हमेशा ऊपर उठा करके लिखते हैं, एल टी माइनस वन, ये आपका वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। क्या डायमेंशन हुआ? एल टी माइनस वन, ये आपका वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। अब देखो, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कहीं इसमें किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में एल टी माइनस नहीं हो, एल टी माइनस वन नहीं हो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एम जीरो एल टी माइनस वन, यह भी आपका वेलोसिटी का डायमेंशन हुआ। इसमें भी कोई एतराज की बात नहीं है, एम जीरो एल टी माइनस वन ये भी दे सकते हैं। अब मन में हो कि ऐसा क्यों दे सकते हैं, तो एम पर पावर जीरो क्या होता है? किसी भी चीज़ पर जीरो पावर क्या होता है? किसी भी चीज़ पर जीरो पावर, हाथी घोड़ा पहाड़ पत्थर, किसी पर भी जीरो पावर होगा तो, कोई क्वांटिटी पर जीरो पावर होगा तो इससे आपत्ति क्या है? दे ही सकते हैं। एम पर पावर जीरो कितना हो गया? तो वन तो इक्वेशन में रहे ना रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? बात समझ में आया? तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो गया? एल टी माइनस वन, याद तो यही रखिए, एल टी माइनस वन, ठीक है। और फिजिक्स में सैकड़ों क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, सैकड़ों क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सबको हम याद रखने की सलाह नहीं देते हैं, है ना? ऐसे कई क्वांटिटी का हम निकाल देंगे, लेकिन मात्र आपको जो हम याद रखने की सलाह देते हैं, मात्र चार पांच डायमेंशन, ठीक है। शुरू में जो चार पांच लिखाएंगे उसका डायमेंशन को क्या करना है? याद रखना है। सबको याद नहीं रखना है, सबको याद रखने की सलाह हम नहीं देते हैं। अननेसेसरी फिजिक्स में याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना? आप लोग को भी बहुत टेंशन है, झूठ मूठ का कितना याद रखोगे, है ना? बहुत टेंशन है, बाल बच्चा बहुत तरह का टेंशन है ना? ठीक है, ठीक बात है। तो याद, ये क्लियर हो गया, एम जीरो एल टी माइनस वन, तो चार पांच डायमेंशन को याद रखना, ये सीरियसली बोल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये इसमें एक वेलोसिटी हो गया। अब आइए दूसरे क्वांटिटी पर हम बात करें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है जनाब? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम, ये दे सकते हो? कहोगे नहीं सर, हमको तो पढ़ाए थे गुरुजी, वी माइनस यू बाय टी होता है, तो एकदम सही पढ़ाए थे, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। वी माइनस यू बाय टी ये फॉर्मूला आप जानते हैं,
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, समझो इसको पहले। ध्यान अब ये देना है कि देखो, जैसे वी माइनस यू, वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? तो वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा, क्या बचेगा? वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा, क्या बचेगा? वेलोसिटी बचेगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी जुटेगा, क्या होगा? वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा, क्या होगा? वेलोसिटी बचेगा। बचेगा तो भी वेलोसिटी ही बचेगा, और नहीं बचेगा तो तुम्हारा क्या लेगा? जीरो तो बचेगा, आई बात समझ में? जीरो तो होगा, तो जीरो भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। जीरो भी क्या होगा? बात समझ में आया? जीरो भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। इस टॉपिक का ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, एकदम इसको याद रखना, कान में इसको एकदम डाल लो, है ना? घटना या जुटना, ये दुर्घटना हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी में होती है। इस टॉपिक का ये पिलर कॉन्सेप्ट है। हर टॉपिक में एक दो लाइन का ही पिलर कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये हम बार बार कहते हैं कि प्रॉब्लम अनलिमिट है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ लिमिट है। पूरे फिजिक्स को हमने मेजर चार कॉन्सेप्ट पर ही बांटा है। चार कॉन्सेप्ट में पूरा फिजिक्स है, चार कॉन्सेप्ट में पूरा फिजिक्स है। इसका भी एक लेक्चर यूट्यूब पर मेरा दिया हुआ है, चार कॉन्सेप्ट पर। वैसे आप लोग आगे पढ़ाएंगे तो उस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी डायमेंशन की बात करें, पूरे चार कॉन्सेप्ट में पूरे फिजिक्स को हमने बांटा। ये अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि कोई किताब कहता है, इसलिए कोई कह देगा सर तो चारे को बताए, चारे को में फिजिक्स थोड़ी होता है। ये जिसको समझ में आएगा उसी को पता चलेगा। अब नब सीखवा आदमी को पता नहीं चलता, दो चार साल तो सीखने में लगता है कि पढ़ाना कैसे है, उसको क्या पता चलेगा, है ना? ये चीज़ को एक्सपीरियंस होने के लिए कम से कम मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी ये बात समझ में आ सकती है। किसी भी टीचर को भी दो चार साल में कुछ ना पता चलता है, और आदमी जितना पढ़ने वक्त सीखता है उससे 10 गुना ज़्यादा पढ़ाने समय सीखता है। पढ़ने समय तो कुछ नहीं सीखता, पढ़ाने समय ही सीखता है। पढ़ने समय तो चलो ऐसा थोड़े कि आपसे कोई केस करने वाला है। जब पढ़ाना लोग शुरू करते हैं तो पता चलता है कि हमसे बच्चा ऐसे केस कर सकता है, इधर से एंगल कर सकता है, इधर से एंगल पर केस कर सकता है, इधर से केस ठोक सकता है, तो फिर वहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। खैर चलिए आगे बात करें हम लोग। एक्सेलरेशन की बात समझ गए, वेलोसिटी बाय टाइम, तो वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, वी माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा तो क्या बचेगा? वेलोसिटी बचेगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी जुटेगा, क्या बचेगा? वेलोसिटी बचेगा तो भी वेलोसिटी ना बचेगा, तो बचेगा तो अच्छी बात है, नहीं बचेगा ज़्यादा अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है उससे? आई बात समझ में? और इस टॉपिक का ये पिलर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हर टॉपिक में एक दो लाइन ही पिलर कॉन्सेप्ट होता है जिसके इर्द गिर्द पूरा टॉपिक घूमता है। अब कैसे कॉन्सेप्ट है ये तो आपको पूरे टॉपिक में पता बीच बीच में चलता रहेगा, ठीक है? तो साहब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, इस वजह से आपका वेलोसिटी हुआ। अब आइए नीचे यहाँ पर ये टाइम की बात करें, तो वेलोसिटी एल टी माइनस वन, टाइम क्या? टी। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस वन वेलोसिटी का हमने अभी निकाला था ना, ये देखिए एल टी माइनस वन और अपॉन टी, ये कितना हो गया? एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना हो गया जनाब? एल टी माइनस टू, ये भी हुआ। और कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं हो, एम जीरो एल टी माइनस टू भी होगा, इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गया ना? बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये क्लियर है? तो चलिए इसको भी लिख लीजिए पहले। तो यहां देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और इसको याद भी रखना है एकदम, इसको बोले ही हम चार पांच डायमेंशन ही हम याद रखने की बात करेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, बोलते जाओ तो दो चार बार, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन,
LT minus 1, velocity. Velocity LT minus 1, acceleration. LT minus 2, acceleration. LT minus 2, acceleration. बात समझ गए? याद रहेगा? इसलिए हम घर के भरोसे नहीं रहते हैं, यहाँ का चीज़ हम यहीं करवा के छोड़ेंगे, ठीक है ना? तो चलिए, तो याद रहेगा, बाकी कैसे निकला ये तो समझ ही गए हम लोग, ठीक है? कैसे निकला ये समझ गए, ठीक बात है। अब आइए तीसरा और मेजर क्वांटिटी जो बात होगी, ये होगी फोर्स की। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई तकलीफ इसमें? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? अब ये बताओ, मास के लिए, मास के लिए, मास के लिए कैपिटल एम हो गया, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। फोर्स का कितना हो गया? एम एल टी माइनस टू। मास के लिए एम, एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू। फोर्स का क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू। फोर्स का क्या हो गया? सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स का एम एल टी माइनस। क्लियर हो गया? कैसे हो गया, समझ गए? ठीक बात है। अब आइए नेक्स्ट क्वांटिटी, वर्क। वर्क, वर्क का फॉर्मूला बोलो तो साहब। फोर्स इंटू, फोर्स इंटू, फोर्स के लिए, फोर्स के लिए एम एल टी माइनस, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल। क्या हो गया? एम एल टू टी माइनस टू। फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल। तो कितना हो गया? एम एल टू टी माइनस टू। किसका हो गया? वर्क का। वर्क का एम एल टू टी माइनस टू। अच्छा देखो जरा शुरू से, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का एक पावर बढ़ाना, याद रखने के लिए बता रहे हैं, हालांकि ये गलत बोल रहे हैं हम, लेकिन याद रखने के लिए, जैसे याद रहे। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का एक बढ़ा दिया है ना, फिर फोर्स का एम बढ़ा दो, एम बढ़ा दो, एम एल टी माइनस टू। वर्क का एक और एल बढ़ा दो, एक और एल बढ़ा दो, एम एल टू टी माइनस टू। बात समझ गए? ये याद रहेगा। तो ये आपका वर्क का हुआ। अब ये बताओ एक बात और, नीचे लिख लिया आप लोग? ठीक बात है। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का हुआ। अब इसमें जैसे मान लो कोई बोल सकता है कि सर वर्क का अगर हम सपोज ये फार्मूला ले लें, एफ एस कॉस थीटा, क्या ले लें, क्या ले लें, एफ एस कॉस थीटा ले लें, तो पहले तो एफ एस का पता है और कॉस थीटा, कॉस थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये दें कि कॉस 30, बताओ तो साहब कितना होता है कॉस 30? कॉस 30 का वैल्यू बताओ कितना होगा? तो यह कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? यह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। रूट थ्री बाय टू, वन बाय टू, यह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसके साथ सटेगा उसी का यूनिट लेगा। वेलोसिटी के साथ लगा दो तो वेलोसिटी का ले लेगा, फोर्स के साथ लगा दो तो फोर्स का ले लेगा। बात समझ में आ रहा है? वेलोसिटी के साथ लगाओगे तो वेलोसिटी का लेगा, फोर्स के साथ लगाओगे तो फोर्स का लेगा। बोलो कोई तकलीफ इसमें? बात समझ गए? क्लियर है? ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो, एफ कॉस 30 जैसे ये हुआ, अब ये बताओ जैसे कॉस 60 कितना होता है? हाफ। हाफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं है। ये क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है? तो याद रखिएगा, कॉस थीटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, साइन थीटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, टेन थीटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन थीटा, थीटा फिजिकल क्वांटिटी है, थीटा फिजिकल क्वांटिटी है, और ये बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है।
कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? बड़ी फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल में आता है ये 7 2 9 2 जो है सप्लीमेंट्री है ना, बात समझ में आया? तो थीटा फिजिकल क्वांटिटी है, थीटा एंगल होता है साहब। ये कैसा एंगल है? प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो जो है बड़ी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से है। ऐसा नहीं कितना बड़ा फिजिकल क्वांटिटी, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कॉस थीटा फिजिकल क्वांटिटी, कॉस थीटा फिजिकल क्वांटिटी, कॉस थीटा फिजिकल क्वांटिटी, थीटा फिजिकल क्वांटिटी, थीटा फिजिकल क्वांटिटी, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, थीटा, बात समझ गए? थीटा है, ऐसा नहीं कि जोश में आके सर तो बोले थे कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा कुछ नहीं है। तो कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा ये बात तो ठीक है, लेकिन थीटा है ना, दोनों में फर्क है। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन थीटा का होगा, क्या होगा? रेडियन होगा। कॉस थीटा का कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा का कुछ नहीं होगा, तो फिर तो बात वही हो गया ना साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर तो वही हो गया ना। तो फोर्स के लिए फिर आपका एम एल टी माइनस टू और यहाँ पर एल, फिर आपका यही आ गया एम एल टू टी माइनस टू। बोलो कोई तकलीफ इसमें? अब देखो ये वर्क की बात हुई, अब आइए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी जो है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी इनर्जी की, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी इनर्जी की बात करें। ये बताओ इनर्जी का फॉर्मूला किसी के पास है? एनीबॉडी, इनर्जी का फॉर्मूला किसी के पास है? हाफ एम बी स्क्वायर, सही बात। एनर्जी का फॉर्मूला, कौन सी एनर्जी है ये? काइनेटिक एनर्जी। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला ले लेते हैं, जो आप लोग को पसंद हो, हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जरा फिर जरा ध्यान दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर, तो इसमें अब हाफ से कोई मतलब रहेगा? हाफ तो साफ हो गया, यह एक न्यूमरिकल वैल्यू है, इसका कोई भी डायमेंशन होगा क्या? कोई भी डायमेंशन होगा क्या? नहीं होगा। इसको ऊपर लिख रहे हैं जरा, काइनेटिक ऊपर लिख लिया आप लोग, हो गया है ना? चलिए फिर ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हाफ साफ हो जाएगा, क्या होगा? इसे कोई लेना देना रहेगा? साफ कर दें इसको, तो लो साफ कर दिया, साफ हो गया। अब एम क्या बचा? मास। भी क्या बचा? भी क्या बचा? तो वेलोसिटी का मास, उसके बाद वेलोसिटी का स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें? तो मास का एम, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का एल टी माइनस, लेकिन ध्यान रहे इसका स्क्वायर है जनाब, इसका स्क्वायर है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। बोलो कोई तकलीफ है? ये समझ गए? एम एल टू टी माइनस टू, ये क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि वर्क का डायमेंशन देखो और एनर्जी का देखो, क्या है? वर्क का डायमेंशन देखो और एनर्जी का देखो, क्या है? सेम है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, ठीक है। एक और क्वांटिटी हम देते हैं, इसका भी सेम होगा, और हो सकता है इस क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी नहीं हो। अच्छा ये बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी से निकाले ना, फिर कोई बच्चा कहे कि नहीं हम पोटेंशियल एनर्जी से निकालेंगे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे इच्छा हो निकाल सकते हैं। यहाँ देखो फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, इससे भी निकाल देते हैं। बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? एनीबॉडी, फॉर्मूला गायब हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, याद आया? अच्छा ठीक बात है, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच, इसमें एम क्या है साहब? मास है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ही है. कोई दिक्कत इसमें नहीं ना. और H क्या है? H क्या है? कोई तकलीफ इसमें? ठीक है. तो अब यहाँ पर देखो, P जो है MGH हो गया. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एनर्जी है MGH. मास के लिए कैपिटल M, G के लिए LT-2, H के लिए तो क्या देखे? क्या देखे? ML2 T-2. तो पोटेंशियल एनर्जी से भी वही आया ना. पोटेंशियल एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से एक ही आया ना. बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? फिर देखिए, एक नेक्स्ट क्वांटिटी आपको हम दे रहे हैं, टॉर्क. हो सकता है इसका पता नहीं हो, ऐसे इसका इंडिकेशन होता है. इसका फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेस. हालांकि होता यही है, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ही हम दे देते हैं. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये फॉर्मूला आपको हमने दिया. टॉर्क होता है बल आघूर्ण. और समझने के लिए टॉर्क क्या होता है, ऐसे तो हम लोग इसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है. जैसे मान लो फैन रोटेट कर रहा है, कोई टॉप लट्टू रोटेट करता है, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? टॉर्क की पड़ती है. आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये समझ गए? तो इसका जो है अपने से निकाल सकते हो? तो चलिए इसका आप लोग निकालिए अपने से, फिर हम बात करते हैं. इसको निकाल लीजिए. तो यहाँ पर हम लोग देखें, टॉर्क का निकाल लिए. टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या दिया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. होता क्या है? टॉर्क किसी भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है, और किसी चीज़ को मूव कराने के लिए, किसी चीज़ को डिस्प्लेस कराने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है. ठीक है. मान लो बेंच को यहाँ से यहाँ खिसकाना है तो आपको सिंपल फोर्स चाहिए, लेकिन अगर रोटेट कराना है कोई चीज़ को, गेट खोलते हैं, टॉर्क चाहिए. जैसे चापाकल चलाते हो तो उसके लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है. इसको ऐसे समझो, मैंने जो कहा कि मान लो चापाकल का हैंडल बीच में पकड़ के चलाओ और साइड में पकड़ के चलाओ, आसान कहाँ पर लगता है? कहाँ पर लगता है? साइड में पकड़ के. बीच में पकड़ के अगर चापाकल चलाओगे तो मिजाज ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना? तो कारण क्या? वो आदमी तो वही हो, चापाकल वही है, फर्क कौन डाल रहा है? फर्क कौन डाल रहा है? तो फर्क ये डाल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स तो मान लो उसमें भी उतना ही लगा रहे थे, थोड़े तुम्हारा जो है बहुत ताकत बढ़ जाएगा, लेकिन इसके वजह से ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करेगा. ये बल आघूर्ण है, ये रोटेशन का, रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगता है, इसे आप समझ सकते हैं. आई बात समझ में? तो ये जितना ज़्यादा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, है ना? तो आप समझने के लिए इसको रोटेटिंग फोर्स भी आप कह सकते हैं, है ना? लेकिन ये ऐसे गलत है. आई बात समझ में? समझने के लिए तो आप कुछ भी समझ सकते हैं. बात समझ गए? ऐसे इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क, है ना? मोमेंट ऑफ फोर्स. खैर इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो हमको डायमेंशन से मतलब है. ठीक है. तो टॉर्क के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशन ML T-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, तो कितना हो गया साहब? ML2.
अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए तो वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का, तीनों का जरा डायमेंशन देखिए तो एक ही हुआ। वर्क का, एनर्जी का और टॉर्क का, तीनों का जो डायमेंशन होता है क्या होता है? सेम होता है। तो जिसका जिसका डायमेंशन सेम होता है उसको ध्यान में रखना है, है ना। तो इस बात को लिखिए स्टार मार्किंग में, डायमेंशन ऑफ वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क आर सेम। डायमेंशन ऑफ वर्क, क्या ठंडा हो गया जमा लोग? डायमेंशन ऑफ वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क आर सेम। बात समझ में आया? डायमेंशन ऑफ वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क आर सेम। क्या होता है? सेम होता है। आई बात समझ में? तो किसका किसका सेम होता है इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। और आइए आगे कुछ और डायमेंशन की हम बात करेंगे, लेकिन आपको याद जो रखना है वो मेरे हिसाब से हमने कहा मात्र आपको यही चार याद रखना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और बाकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, इसका एप्लीकेशन करेंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपको मिल जाएगा, सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ज़रा देखिए, सभी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं किसी का भी। अब आइए इसमें देखो, कुछ ऐसा क्वांटिटी हम दे रहे हैं आपको जो हो सकता है आपको फार्मूला ना पता हो, लेकिन फार्मूला भी आपको हम देंगे और उसका डायमेंशन आपको निकालना है और निकाल सकते हैं आराम से। तो आइए उसमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके लिए फार्मूला क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा या नहीं? हाँ या नहीं? क्या फार्मूला पढ़ा है? F इक्वल टू जी एम वन एम टू, याद आ गया? बिल्कुल सही। तो कोई भी दो बॉडी को किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाता है, ये एम वन है ये एम टू है, तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको इसमें यह भी पता होगा m क्या है साहब? मास। m1 भी मास है, m2 भी मास है। r क्या है? r इसमें डिस्टेंस है। r क्या है? तो अब तो हम लोग g का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? तो g के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास? तो g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर और नीचे एम वन एम टू, तो बस ये लगा दें निकल जाएगा, है ना। बोलो तो क्या डायमेंशन होगा साहब? फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस के लिए एल टू, मास के लिए ई, मास के लिए भी एम ई होगा, एम एम खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम माइनस वन, एम माइनस वन एल थ्री, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। ये क्या हो गया? एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, यह जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। कोई तकलीफ इसमें? फिर देखो, अगर फार्मूला आपके पास है तो यूनिट भी निकाल सकते हो। फार्मूला अगर आपके पास है तो यूनिट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? यहाँ देखो, जी का हमको यूनिट चाहिए। फोर्स का क्या होता है साहब? न्यूटन। डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर, नीचे मास मास केजी 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 स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये समझ गए? तो चलिए ठीक है, आइए अब नेक्स्ट फार्मूला फिर हम देते हैं आपको। ये भी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन फार्मूला देते हैं और आपको डायमेंशन निकालना है, और वो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है प्लैंक कांस्टेंट।
कौन सी क्वांटिटी? प्लैंक कांस्टेंट, इसको एच से इंडिकेट करते हैं ज्यादातर, और फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। और इसमें क्वांटिटी देखिए, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है? स्पीड या वेलोसिटी, यहाँ बात एक ही है। और लेमडा क्या है? लेमडा जो होता है वेवलेंथ होता है। अच्छा ये बताओ, वेवलेंथ का क्या डायमेंशन होगा? वेवलेंथ का, वेवलेंथ भी क्या है? लेंथ है, सीधी बात। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? तो लेंथ होगा, सीधी बात। अब ये बताओ वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होगा? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है LT-1। देखो लाइट का वेलोसिटी हो, हाथी का वेलोसिटी हो, घोड़ा का वेलोसिटी हो, डायमेंशन LT-1 ही होने वाला है। ऐसा नहीं कि हाथी का है तो बड़ा डायमेंशन हो जाएगा, है ना, लाइट का है तो बहुत ज़्यादा डायमेंशन हो जाएगा, है ना। डायमेंशन वही, क्वांटिटी नहीं बदला, वो उसका वैल्यू बढ़ना घटना अलग बात है, लेकिन क्वांटिटी तो बस वेलोसिटी है। क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी है, तो डायमेंशन नहीं बदलेगा। तो सी स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा वेवलेंथ, और ई जो है ये आपका एनर्जी है। अच्छा अब ये बताओ एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, इसका निकालना है। अब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्वांटिटी हमने दे दिया, फॉर्मूला हमने दे दिया, इसके बाद तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इतना तो हम लोग सीखे ना कि अगर कोई भी फॉर्मूला आपके पास हो तो उसका हम लोग डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? पक्का निकाल सकते हैं? तो कोई भी क्वांटिटी अगर आपके पास हो तो उसका हम लोग डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ज़रा देखिए और यहाँ पर लिखिए कि क्या होगा, ध्यान से देखिए और लिखिए। और H का हमको चाहिए तो E लेमडा अपॉन C, E है इनर्जी, लेमडा है वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेंथ हो गया ना साहब, खाली लेंथ लिख दें, चलो ठीक बात है। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का हो या जिसका, हाथी घोड़ा किसी का हो, वेलोसिटी सिर्फ लिख दें। एनर्जी का डायमेंशन बोलो तो साहब, ML2 T-2, लेंथ का बोलो तो साहब, वेलोसिटी का LT-1, वेलोसिटी का LT-1। तो अब देख लीजिए ये LL तो चला गया, क्या बचा? ML2, ये T-2 और ये ऊपर से आया +1, T-1। बोलो कोई तकलीफ है? ये समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है, तो यह जो है आपका किसका डायमेंशन हो गया? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया, ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और यह भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ML2 T-1। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? अब यहाँ देखो इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला अगर आपके पास हो तो यूनिट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ई आपका एनर्जी, एनर्जी का यूनिट कितना जी? एनर्जी का जूल, लेमडा लेंथ है मीटर, और नीचे यहाँ पर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा ना साहब, मीटर मीटर गायब, जो बचे बचाइए, जो कटे कटाइए, और यूनिट को लिख जाइए जूल सेकंड। बात समझ गए? जूल सेकंड, क्लियर हुआ कि नहीं? देखो यहाँ एनर्जी का, एनर्जी का जूल, लेंथ का मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मीटर बटे सेकंड होगा, तो ये सेकंड को हमने यहाँ ऊपर कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? कर सकते ना ऐसा? घुरा के नहीं देखना, मीटर बटे सेकंड होगा ना, तो सेकंड को ऊपर कर दिया, मीटर मीटर खत्म, तो जूल सेकंड हो गया ये आपका, जूल सेकंड।
बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये इसका यूनिट हो गया है ना। और भी देखो एक तरीका है यूनिट को लिखने का, एक और तरीका है यूनिट को लिखने का, डायमेंशन से यूनिट को लिख सकते हैं। डायमेंशन लिख दिए ना, इससे यूनिट को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है, इसका कितना के जी, ये कितना, ये लेंथ है मीटर स्क्वायर, ये कितना सेकंड है, सेकंड को क्या कैसे लिखेंगे, एस माइनस वन। देख लो मिल गया यूनिट। तो ये एक डायमेंशन का एक बड़ा फायदा है, डायमेंशन आपके पास हो तो यूनिट लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। डायमेंशन से भी यूनिट को लिखा जा सकता है, ये डायमेंशन की एक प्रॉपर्टी में ये भी आता है जो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो इससे भी यूनिट लिख सकते हैं। ये किसका निकला, प्लैंक कांस्टेंट का निकला। बोलो कोई तकलीफ इसमें, ये समझ गए, ठीक बात है। अब आइए प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन क्या फॉर्मूला होता है, तो आसान क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही ना होता है प्रेशर जी, बिल्कुल सही, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ये प्रेशर होता है। तो आइए साहब अब इसको यहाँ पर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए एल टू, कितना हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बोलो जी कोई तकलीफ है इसमें, समझ गए, ये प्रेशर का हो गया, ठीक है। तो अच्छा जैसे एक क्वांटिटी होती है स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस का भी जो है डायमेंशन या यूनिट प्रेशर के ही समान होता है, स्ट्रेस का प्रेशर के ही समान होता है। स्ट्रेसर और स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का यूनिट और डायमेंशन समान होता है। जैसे नहीं बोलते बहुत स्ट्रेस है हमको, है ना, तो वह भी प्रेशर हुआ है ना। और ख़ास करके स्ट्रेस का यूज तब होता है जब एक टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, लास्ट में है इलास्टिसिटी, जैसे रबर खींचने वाली बात हो, है ना, रबर खींचने वाली बात हो, बल्ब को कोई भी रबर का बल्ब हो दबाने वाली बात हो, इलास्टिसिटी वाली बात हो, तो वहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे फोर्स अपॉन एरिया हुआ, और यह जो होता है स्ट्रेस ये होता है ये रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ था, आप फिलहाल अभी समझिए कि फोर्स ही होता है, कोई भी फोर्स होगा डायमेंशन तो फोर्स का ही होगा, कोई भी फोर्स होगा तो डायमेंशन फोर्स का ही होगा, आई बात समझ में। देखो जैसे रीस्टोरिंग क्या होता है प्रैक्टिकल तौर पर थोड़ा सा समझिए, जैसे आप कोई भी रबर का बॉल हो या कोई मान लो रबर ही उसको पकड़ के खींच देते हो, क्या होता है, क्या होता है, खिंचा जाता है वो, नहीं बोलते लम्हर गया है ना। और जब आप उसको छोड़ देते हो फोर्स लगाना तो क्या होता है, अपने ओरिजिनल कंडीशन में फिर से चला जाता है। तो वो जो खिंचाया आपके द्वारा लगाए गए प्रेशर से और वापस जो गया वो जाता है स्ट्रेस, आई बात समझ में, किससे गया वो, इसलिए वापस तो नहीं ले गए ना आप उसको, वो स्ट्रेस के वजह से चला गया, ठीक है। तो खैर अभी इतना समझिए कि स्ट्रेस भी प्रेशर ही है और इसका डायमेंशन भी देखो फोर्स बटे एरिया ही होगा, सिंपल बात है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एम एल इसका भी कितना हो जाएगा,
एम एल टी माइनस टू और नीचे एरिया एल टू, ये भी वही हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस आर सेम, स्टार मार्किंग में लिख दीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस आर सेम, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस आर सेम, प्रेशर और स्ट्रेस का सेम होता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी, ये भी आप मैकेनिक्स के लास्ट में पढ़िएगा, यंग्स मॉडुलस। इसको वाई से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, वाई से इंडिकेट करते हैं, एक्चुअली ये गामा से इंडिकेट ऐसे करके होता है तो वाई भी चलता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, और इसके लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब जरा यहाँ पर समझो कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है जैसे मान लो कोई भी रबर है, 10 सेंटीमीटर का रबर है, उसको खींच के 12 सेंटीमीटर कर दिए, खींच के कितना कर दिए, तो जो बढ़ोतरी हुआ वो कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। बढ़ोतरी कितने का हुआ, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बढ़ोतरी हुआ, इसको चेंज इन लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ओरिजिनल लेंथ कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रेन होता है। चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो है ना, जैसे स्ट्रेन का भी यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रेन का होगा क्या, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। अब आप लोग दोनों का बताइए कि स्ट्रेन का पहले बताइए क्या डायमेंशन होगा, जरा बताओ तो साहब, स्ट्रेन का क्या होगा, स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो है, ये क्या होना चाहिए, बात समझ में आया या नहीं। मान लो जैसे ये एल हो है ना, और ये बढ़ा दिया, खींच के कर दिया हम डेल एल कर दिया, अब यहाँ से मान लो पहले L1 था, अब खींच के लेंथ इसका L2 कर दिया, तो चेंज इन लेंथ यही हो गया ना, L2 माइनस L1, ये क्या हो गया, चेंज इन लेंथ। तो अब ये बताओ चेंज इन लेंथ का डायमेंशन भी क्या होगा, L होगा, चेंज इन लेंथ का डायमेंशन भी क्या होगा, और ओरिजिनल लेंथ का क्या होगा, ऊपर नीचे मतलब डायमेंशनलेस है ना, ऐसा नहीं कि जीरो, क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। बात क्लियर हुआ या नहीं, तो यहाँ पर ऊपर भी L नीचे भी L दोनों कट जाएगा, और कट के अगर 1 आ जाए तो डायमेंशनलेस। तो पहले तो स्ट्रेन का समझ गए, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, अब यंग्स मॉडुलस का बता दीजिए, ठीक है, स्ट्रेन समझ गए ना, डायमेंशनलेस होता है। अच्छा स्ट्रेन का कोई यूनिट होगा क्या, स्ट्रेन का कोई यूनिट होगा क्या, होना चाहिए, यूनिट भी नहीं होगा, तो इसको स्टार मार्किंग में ऊपर में लिख देते हैं हम, ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक बात है। तो देखिए ध्यान से, स्ट्रेन हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। तो कई क्वांटिटी ऐसी है जिसका कि यूनिट और डायमेंशन
नहीं होता है। ठीक है, कई क्वांटिटी ऐसी है जिसका कि यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यंग्स मॉडुलस का तो बता सकते हो आप लोग ना कि नहीं बता सकते हो? क्या बता सकते हो? चूंकि अब तो स्ट्रेस का कितना अभी निकाले हुए थे, कितना स्ट्रेस का ML-1 यही ना, और स्ट्रेन का कुछ नहीं, और डायमेंशनलेस का मतलब समझना है। डायमेंशनलेस मतलब क्या समझना है? बात समझ में आया या नहीं, क्या समझे? तो इसका यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन ML-1 T-2। और इसमें खास बात यह है याद रखने लायक कि प्रेशर का डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन सेम होता है। याद रखिएगा, जिसका डायमेंशन नहीं होता है वैसे क्वांटिटी पर एग्जामिनर का नज़र बहुत ज़्यादा होता है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी बात करेंगे। मान लो जैसे क्वेश्चन आपको सिंपली यही पूछ दिया जाए, इसमें सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दे, मान लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डायमेंशनली सेम, जो डायमेंशनली सेम नहीं है, और इसमें ऑप्शन हमने दे दिया। लीजिए, एक दिया स्ट्रेस, एक दिया प्रेशर, एक दिया यंग्स मॉडुलस और एक दिया फोर्स। बताइए क्या होगा, कौन सी क्वांटिटी होगी? फोर्स होगी। तब इसमें बताओ, इस क्वेश्चन में आपको कितना चीज का नॉलेज खींच लिया? ये कम से कम चार चीज का जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। तो इसलिए ये मत समझो खींचने वाले पर डिपेंड करता है कि आपको सिरिंज के जैसा खींच लेगा, कि आपको एक साथ 10 क्वेश्चन का आइडिया है तब आप उस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए आप नॉलेज गेन करने के लिए तैयार रहिए। खींचने वाला तो मोटका सिरिंज लेके बैठा है ना, उसको पता है कि यहाँ से अगर इस टाइप का क्वेश्चन डालेंगे तो सब एक साथ 10 क्वेश्चन में यहाँ से खींच लेंगे। इसका बात समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर सिंपल यही पूछ देता कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो आपको एक ही क्वांटिटी का डायमेंशन याद होना चाहिए, बाकी तो एक ही उसमें सही होगा ना। प्रेशर आपको पता है, आपने लिख दिया। लेकिन अगर इस टाइप में क्वेश्चन दे देता है तो इसमें कितनी क्वांटिटी आ गई? चार क्वांटिटी। और इसी में आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे एक साथ 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी खींचा जाएगा आपसे। बात समझ रहे हो ना? क्वांटिटी का पेयरिंग कर देते हैं, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन पहले भी डायमेंशन तो हम लोग सीख लें। बात समझ में आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं? Which one of the following are not dimensionally same, जो dimensionally same नहीं है। ये तीनों तो साफ सेम है, कौन सा सेम नहीं है? इसका आंसर क्या हो गया? फोर्स। समझ गए? और इस बात को स्टार मार्किंग में लिख भी लीजिए, डायमेंशन ऑफ, इवन की यूनिट भी, ऐसा नहीं कि यूनिट नहीं होगा, यूनिट भी, डायमेंशन भी और यूनिट भी, ऑफ प्रेशर स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस आर सेम। डायमेंशन यूनिट्स ऑफ प्रेशर स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस आर सेम। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये बात समझ में आ गया?
क्लियर। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस आर सेम। इस तीनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है और स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है। याद रखना, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है। क्लियर हो गया? कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आपको फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा।